प्रेस मिले थे, एमक्यूएम के 7,000 वोट थे, रातों रात मेरे आरओ को मारा गया, उसको दफ्तर से निकाला गया, वो रोता रहा, मिनट करता गया, वहाँ पे नीचे स्टाफ नहीं बताया, लैपटॉप कब्जे में लिए गए, आरओ को मार के निकाला, और जब रिजल्ट आया मेरे 41,000 वोट, और जिसके 7,000 वोट थे जो घर पे सो रहा था उसको पता ही नहीं था, उसको 73,000 वोट देकर जिताया गया, और मेरा जो फॉर्म 47 है उसके ऊपर मेरे आरओ के सिग्नेचर नहीं है, 2 नंबर सिग्नेचर किए गए। 3 दिन पहले जो खबर चल रही थी कि एमक्यूएम को 13 सीटें मतलब कि कराची से दे दी गई हैं, सर बात यह है जब खबर चल रही थी सारी चीज़ें, जब अल्लाह ने आपको इतनी ताकत दी है, आप कानून वो बनाए कराची में पाकिस्तान में इलेक्शन ही ना करवाए, खुद ही फैसला कर दे किसको MNA बनाने किसको, क्यों हमारी गरीब आवाम का, ये गरीब मुल्क है, कर्जे में डूबा हुआ मुल्क है, अरबों खरबों रुपए आपने इलेक्शन पे जाया किए, आप ना करवाते, जिसको देना था आप दे देते, हम भी सकून में रहते, सारा सिस्टम अपने हाथ में ले लें भाई। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने आगे क्या करें, शरीर का टुकली है, पर हम सियासी लोग हैं, हम पुरमन तरीके से हर जगह हर उस दरवाजे पे जाएंगे, अपना पुरमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। क्या कर रहे, क्या लगता है कि हमारा स्कूल के वजीर आजम बनने जा रहे हैं? सर इमरान खान दिलों के वजीर आजम बन गए, आप मीडिया के दोस्त हमसे ज़्यादा आपको बताएं कितना फैसला, क्लियर मेजोरिटी इमरान खान को मिली, क्लियर मेजोरिटी इमरान खान ने लिस्ट पर डाका डाला गया, मल्ला हमसे छीना, कैंपेन हमें नहीं करने दी, उसके बावजूद रिकॉर्ड वोट इमरान खान ने दिए और इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम बन के रहेगा इंशाल्लाह।